हम इंसानों ने शुरू से ही अपने शरीर को ढकना जरूरी समझा है। जब कपड़े नहीं थे उस समय पर इंसान पेड़ों की छाल या फिर पत्तियों से अपने शरीर को ढकता था, लेकिन ढकता जरूर था। खैर आज के समय में तो इंसान बड़ी आसानी से अपने शरीर को ढक सकता है। देखो टाइम के साथ साथ हम इंसानों की सोच तो बढ़ती चली गई, लेकिन वहीं दूसरी ओर हम इंसानों के कपड़े भी उतने ही छोटे होते चले गए, स्पेशली लड़कियों के। अब भले ही उन्हें बुरा लगे लेकिन यही सच है, लड़कियों की बेहुदा ड्रेसिंग स्टाइल पर कई बार बवाल भी हुए। लेकिन लड़कियों के कपड़े नहीं बल्कि तुम्हारी सोच छोटी है, या फिर अपने देखने का नजरिया ही चेंज करो। थोड़े दिन रुक जाओ बेटा, शायद ये भी कह देंगी कि हम कपड़े पहने या फिर ना पहने, इट्स ओवर चॉइस, तुम बाहर निकल कर देखते ही क्यों हो। अब इसे देखकर शायद तुम्हें ऐसा लगे कि कितनी गरीब और लाचार हो गई लड़की, जिसके पास अपना तन ढकने के लिए एक कपड़ा तक नहीं है। मतलब इस लड़की ने लिटरली अपने शरीर पर फूल चिपकाए। अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो तुम गंडी हो भाई, क्योंकि ये कोई एरी गेरी लड़की नहीं बल्कि इंडिया की मोस्ट फेमस फैशन डिजाइनर उर्फी जावेद है। साले कुत्तों की जिंदगी। और इस लड़की की क्रिएटिविटी अब इस लेवल पे आ चुकी है कि इसके डिजाइन किए हुए कपड़े पहनने के लिए इंसान की जेब में पैसा नहीं बल्कि उसकी गांड में गूदा होना चाहिए। अच्छा चलो उर्फी जी के द्वारा डिजाइन किया हुआ उनका एक छोटा सा नमूना देखिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है इस फनकार ने, तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। देखो यार अगर तुम लोग भी इसे क्रिएटिविटी मानते हो तो तुम गांडू नहीं भोसड़ी के घोर गांडू हो। देखो उर्फी जी, ये जो आप अपने शरीर पर लपेट कर घूम रही हो ना, ये पहनने की चीज तो ऑब्वियसली नहीं है, ये एक खाने की चीज है जिसे गुड़िया के बाल या फिर कॉटन कैंडी कहते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि इसको पहनकर आप ज्यादा देर तक धूप में रहना मत, क्योंकि ये धूप में पिघल जाती है, और अगर ये पिघली तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ। खैर एक बात और, आप चीटों से भी थोड़ा बच कर ही रहना, क्योंकि अगर वो आपके शरीर पर चिपक गई तो फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप उर्फी जावेद हैं या फिर। देखो भाई लोग, मैं आगे का नाम नहीं सोच पाया इसकी तुलना में उर्फी जावेद से कर सकूं, तो आगे का नाम तुम खुद ही जोड़ लेना। इसके बारे में बताएं कैसा है? बस मैंने एक चादर ली और दैट्स इट, आज मैंने उतनी ही किया, चादर काट के लपेट लिया है। ये लड़की अपनी फैशन डिजाइनिंग के लिए इतनी ज्यादा फेमस है कि इसकी तुलना डायरेक्ट गधे घोड़ों से कर दी जाती है। आप जानते हो इनको? मतलब मैं पे एक दो बार एक्सप्लोर में देखा है। एंड या ऑलराइट, तो इन फॉलो करते हैं। आप ही फॉलो नहीं करते, फॉलो नहीं करते हैं, स्टॉक नहीं करता। एक्सप्लोर पे तो 50 लोगों की फोटो आ जाती हैं, गधे घोड़े भी। देखो जब हम लोगों की टी शर्ट या फिर पैंट पुरानी होकर फट जाती है तो फिर नॉर्मली घरों में उसका पोचा बना दिया जाता है, लेकिन उर्फी जावेद का सीन कुछ अलग ही है। आज तो बड़ा धमाल है, मैडम ऑलवेज धमाल है भाई। मैडम इज ऑलवेज धमाल। एक तो भोसड़ी के दिहाड़ी वाले न्यूज कैमरामैन, ये हमेशा इनके आगे पीछे जिम हो या फिर एयरपोर्ट हो, हर जगह भिन भिनाते ही रहते हैं। नहीं, भोसड़ी को ओनली यही एक न्यूज बची है। खैर इम्पोर्टेंट भी तो यही है। ये लो, ये फिर से वही पोस्टर डालकर आ गई। नहीं, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन है भाई। जो पहले वाली थी वो पहनने लायक बिल्कुल नहीं थी। एंड भैनचोद, एक सेकंड, इसको पहनोगे कैसे? इसमें पैर डालने और निकालने में ही तुम्हें दिन लग जाएंगे। इसे अगर टॉप की तरह तुम ऊपर से पहनती हो तो इजी टू वियर रहेगा, और जो इसे पैंट या फिर पजामे की तरह नीचे से पहनने की कोशिश की तो तुम घंटा नहीं पहन सकती इसे। नहीं उर्फी जी, आप एक बात बताओ यार, ये जो अच्छे खासे कपड़ों की बुंड मारकर आप उनके साथ जो खिलवाड़ कर रही है, ये करती क्यों है आप? साले कुत्तों की जिंदगी। देखो इसकी डिजाइन किए हुए कपड़े पहनने लायक तो बिल्कुल नहीं है, ये बात इसके ऑडियंस को भी पता है और इसको खुद को भी पता है, तो फिर आखिरकार उर्फी जी ऐसा करती क्यों है? Whatever gets me money, जहां से पैसा आएगा मैं सब करूंगी, मुझे क्या है? लो, उसे तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है, और वो पैसों के लिए कुछ भी करेगी। बेटी चौदो, किसी ढंग के टैलेंट वाले इंसान को फेमस करो। ये क्या गंदे यार, बेवजह इतना फेम दे रखा है। देखो उर्फी जी, ये जो आपने पहना है ना, इसे पहना ही क्यों है? नहीं मेरा मतलब है कि कपड़े, टॉप कहाँ है? अबे जो पहनना है वो पहनो रे यार, लेकिन अगर यहाँ चिट्टी द रोबोट आया देखो ऐसा मैं तो नहीं चाहता कि यहाँ पर चीटी द रोबोट आए।
झूठ बोल रहा है। अपने शरीर पर फूल चिपकाने और लोहा लक्कड़ लटकाने के बाद उर्फी जी ने एक और बेहुदा ड्रेस डिजाइन की है। ओ भाई कोई से बांधो यार, इस बार तो ये पन्नी चिपका घूम रही है। ये पूरा OTT है भाई साहब। बस जब मैं बैठूंगी तो सब फट जाएगा। क्या? ओ अच्छा, बस फट जाएगा। ये मेरा एक नया क्रिएशन है जो कि दिखने में काफी अट्रैक्टिव है और इसमें सब कुछ ठीक भी है। बस जब आप इसे पहनकर नीचे की तरफ बैठेंगे तो ये फट जाएगा। देखो दीदी, एक नॉर्मल इंसान को बैठना पड़ता ही है और बैठने के बाद ये ड्रेस फट जाएगी, तो ये बनाया क्यों है? देखो यार, कहीं ना कहीं मन ही मन उर्फी जावेद को भी इस बात का अंदाजा तो है कि ये कोई क्रिएटिविटी नहीं बल्कि ये चूतिया पाए। लेकिन भोसड़ी वालों, चूतिया भी की एक सीमा तो रखो। हाँ तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो या मत करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना भाई, और वीडियो को लाइक भी कर देना यार। सुना है कि वीडियो को लाइक करने से चैनल की रीच बढ़ती है। हाँ तो चलो भाई, आखिरकार उर्फी जी ने कुछ तो नॉर्मली पहना। देखकर भले ही आंखों को भरोसा ना हो, लेकिन उर्फी जी ने इस साड़ी को बड़े ही इज्जत और ढंग से पहनकर हमारी भारतीय संस्कृति को दिखाया। भैंचोद गंडल।